नफसियाती किला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करने की तलकीन करता हूँ, और इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी का उसके दुश्मन ने तेज़ी से पीछा किया, यहाँ तक कि वो भाग कर एक मज़बूत किले में दाखिल हो गया। इस तरह उसने किलाबंद होकर अपने आप को बचा लिया। यही मामला बंदे का है, वो सिर्फ़ अल्लाह की याद ही के ज़रिए शैतान से बच सकता है। ये हदीस बताती है कि इंसान को सबसे ज़्यादा गुमराह करने वाला उसका दुश्मन शैतान है। इस सबसे बड़े दुश्मन से बचने की तदबीर सिर्फ़ ये है कि आदमी हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करता रहे। ज़िक्र से मुराद कुछ मुकर्रर कलिमात का विर्द नहीं है। इस किस्म की लिसानी वर्जिश का मज़कूरा ज़िक्र से कोई ताल्लुक़ नहीं। मारूफ किस्म का विर्द या तकरार अल्फाज किसी भी दर्जे में आदमी को शैतान के बहकावे से बचाने वाले नहीं, और न वो किसी के लिए शैतानी हमलों के मुकाबले में हिफाजत का किला बन सकता है। ज़िक्र से मुराद दरअसल याद है, यानी अल्लाह के तसव्वुर का आदमी के जहन पर इतना गलबा हो जाना कि वही उसकी मुस्तकिल सोच बन जाए। आदमी को हर वक्त खुदा के कमालात और उसकी अज़मतों का एहसास होता रहे। दुनिया के हर मंज़र में उसको खुदा की झलक दिखाई दे। कायनात की हर आवाज़ में उसको खुदा का नगमा सुनाई दे। वो हर वाक़या और हर तजरिबे से अपने लिए रब्बानी सबक लेता रहे। आदमी जब इस तरह खुदा को याद करने लगता है तो उसका जहन खुदाई हकीकतों के बारे में जाग उठता है। उसके अंदर सही और गलत का शोर पैदा हो जाता है। उसके अंदर एक किस्म का जहनी रोक या नफसियाती किला बन जाता है, जिसके अंदर वो शैतान से महफूज होकर रह सके। जो आदमी इस तरह अल्लाह की याद में जीने लगे, उस पर काबू पाना शैतान के लिए मुमकिन नहीं। किताब मुताले हदीस, मौलाना वहीदुद्दीन खान, सफ़ा नंबर 140।